हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को बताएंगे ईटीपी प्लांट के बारे में, इफ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले ये हमारा कूलिंग टावर है। डाइंग से हमारा यहाँ वाटर आएगा, डाइंग से हमारा जो वाटर आएगा कलर्ड वाटर, लगभग उसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। 55 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को कूलिंग टावर में फीड कराएंगे, तो ये लगभग 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक को रिमूव करेगा, यानी डिक्रीज कर देगा। तो इसके आउटलेट से जो हमारा वाटर निकलेगा लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, उसको हम कहाँ ले जाएंगे, इक्वलाइजेशन टैंक में स्टोर करेंगे। तो आइए आप लोगों को बताते हैं इक्वलाइजेशन टैंक में क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा कूलिंग टावर था। कूलिंग टावर का जो हमारा आउटलेट निकला, इसको इक्वलाइजेशन टैंक में, हमारे 6 इक्वलाइजेशन टैंक हैं, हमारे ये 6 इक्वलाइजेशन टैंक हैं। एक टैंक की कैपेसिटी 150 KL की है, 150 KL की कैपेसिटी है, टोटल 900 KL की कैपेसिटी है। ये देखिए हमारा, ये हमारे तीन पंप लगे हैं, तीनों के सेक्शन इसमें डूबे हुए हैं। देखिए तीन सेक्शन पंप हमारा इलेक्ट्रोकॉगुलेशन का, ईसी का। इस तीनों पंपों से एक स्टैंड बाई रहेगा, दो वर्किंग में रहेगा, यहाँ से हम ईसी इलेक्ट्रोकॉगुलेशन में फीड कराएंगे। इसमें देखिए हम नीचे से एयर इसलिए फ्लो करा रहे हैं ताकि स्लज बैठे ना, यानी स्लज बैठे ना, इसलिए हम नीचे से इसमें एयर फ्लो करा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इस पंप के थ्रू हम इलेक्ट्रोकॉगुलेशन में फीड कराएंगे। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोकॉगुलेशन क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा इलेक्ट्रोकॉगुलेशन है। देखिए नीचे इक्वलाइजेशन टैंक से पंप का आउटलेट, पंप के आउटलेट की ये हमारा देखिए आउटलेट की पाइप है, यहाँ से हम फीड करवा रहे हैं। देखिए इसी इलेक्ट्रोकॉगुलेशन में क्या होता है, यहाँ से हम फीड करवाए इक्वलाइजेशन टैंक से। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें डीसी करंट फ्लो कराते हैं, हाई डीसी करंट। इसमें एनोड और कैथोड की प्लेटें लगी हुई हैं। तो जो टैंक से हमारा कलर्ड वाटर आएगा, इसमें देखिए इसके कलर को यहाँ पे ब्रेक करेगा हाई करंट के साथ। देखिए इसमें फ्लॉक्स बन रहे हैं, देखिए ये हाई करंट के साथ इसमें कलर को यहाँ से ब्रेक करेगा, यानी फ्लॉक्स के रूप में। ये देखिए यहाँ से फ्लॉक्स बनता है और ये स्लज यहाँ से अलग हो जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकॉगुलेशन। अब इसका जो हमारा आउटलेट निकलेगा, देखिए ये फ्लॉक्स बन रहे हैं, इसका जो हमारा आउटलेट निकलेगा, इसको हम ले जाएंगे डैप में, डिजॉल्व एयर फ्लोटेशन में। तो डिजॉल्व एयर फ्लोटेशन में क्या होता है, आइए दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, इसी का जो आउटलेट हमारा इलेक्ट्रोकॉगुलेशन का जो आउटलेट निकला हमारा, ये देखिए नीचे से, यहाँ से ये इसको ले जाएंगे हम नीचे से। देखिए डिजॉल्व एयर फ्लोटेशन में, ये देखिए वहाँ पे हमारा नीचे पंप लगाया, वो नीचे हमारा पंप लगा है, ये सिलेंड्रिकल वेसल, इसमें फिल्टर लगे, हमारा एयर फिल्टर लगा है। वहाँ से एयर को और पॉली इलेक्ट्रोलाइट को फीड के साथ, एयर के थ्रू पॉली इलेक्ट्रोलाइट और फीड और एयर तीनों को एक साथ फीड के साथ इसमें फीड कराएंगे, यानी फीड कराएंगे तीनों को फीड कराएंगे। तो इसमें क्या होगा, देखिए जो हमारी लाइट सॉलिड होती है वो पॉली इलेक्ट्रोलाइट उसमें स्लज को अलग कर देता है, तो हमारी लाइट सॉलिड जो होती है वो ऊपर आ जाती है, तो इसमें क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड का सेपरेशन होता है। लाइट सॉलिड ऊपर आ जाएगी, देखिए स्क्रैपर हमारे स्क्रूपर ऊपर लगे हैं, हमारे स्क्रूपर क्या करेगा, स्लज को इकट्ठा करेगा, लाइट सॉलिड को स्क्रैप कर लेगा, यानी कैच कर लेगा, इधर से उठा लेगा, उठाने के बाद इसके बीच में ये डंप कर देगा, बीच में डंप कर देगा। नीचे हमारा ड्रेन वाल्व लगा है और डायफ्राम पंप क्या करेगा, डायफ्राम पंप वहाँ से डिलीवर कर देगा हमारा स्लज थिकनर में, नीचे जो हमारा स्लज इकट्ठा हो जाएगी उसको स्लज थिकनर में भेज देगा। इसमें क्या होगा, इसके बीच में हमारा क्लीन वाटर है, देखिए आउटलेट इसका निकल रहा है, क्लीन वाटर जो हमारा इसका आउटलेट निकल रहा है। तो डैप में हमारा क्या होता है, इसमें मेनली हम समझ सकते हैं सॉलिड और लिक्विड का सेपरेशन होता है, सॉलिड को यहाँ से अलग करते हैं और लिक्विड को, यहाँ से देखिए आउटलेट इसका निकल जा रहा है, इसको हम ले जा रहे हैं देखिए एरिएशन टैंक में। देखिए क्लीन वाटर एरिएशन टैंक में गिर रहा है हमारा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, एरिएशन टैंक बहुत ही प्रमुख ईटीपी के लिए मेन यही होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड, यानी ऑर्गेनिक पार्टिकल जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर जो इसमें से रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारे इसमें जो बैक्टीरिया होंगे ऑक्सीजन का कंजप्शन करते हुए, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे और इसके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। यानी ऑर्गेनिक मैटर बीओडी क्या होती है कि मतलब कितनी ऑक्सीजन ग्रहण की ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, कितनी ऑक्सीजन को ग्रहण किया बैक्टीरिया ने, यही होता है हमारा बीओडी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनिक पार्टिकल अशुद्धि होती है वाटर में, उसको हमारे क्या होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं उसे डिकम्पोज करके वाटर को शुद्ध कर देते हैं। उसके बाद हम उसको ले जाएंगे सेकेंडरी क्लेरिफायर में। देखिए वो सेकेंडरी क्लेरिफायर में क्या होता है, जो हमारी इसमें एरिएशन टैंक की जो हमारी ये बैक्टीरिया रहती हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं, और देखिए ऊपर ये क्लीन वाटर देख आप लोगों को दिख रहा होगा एकदम क्लीन वाटर जो हमारा, तो बैक्टीरिया हमारी जो नीचे सेटल हो जाएंगी, उसमें क्या होगा REC बोलते हैं उसे, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज। ये देखिए वहाँ से वो हमारा दो पंप वहाँ पे लगे हैं, एक वर्किंग रहता है एक स्टैंड बाई। तो देखिए रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज, यहाँ वहाँ से स्लज को फिर से रिटर्न कर देंगे। देखिए वो एरिएशन टैंक में स्लज हमारा फिर से रिटर्न हो जा रहा है। और जब हमारा MLSS थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, हमारे बैक्टीरिया जब ज़्यादा हो जाते हैं, तो WAC वहाँ से पंप, उसी पंप के थ्रू WAC वाल्व को हम खोल देंगे, वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज उसको हम ड्रेन कर देंगे उसी स्लज थिकनर में जहाँ से ये टैप का नीचे वाला स्लज जाता था। तो स्लज थिकनर में वहाँ से हम स्लज थिकनर में WAC वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज को ड्रेन कर देंगे।
और सेकेंडरी का जो आउटलेट हमारा निकला उसको सेंट फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, R01, R023, यमी, उसके बारे में अगला वीडियो बनाएंगे आप लोगों को बता देंगे। ये था ETP सेकेंडरी क्लेरिफायर से जो आउटलेट निकला हमारा, ये ETP में एक पार्ट अभी और बचा है जो स्लज थिकनर में स्लज हमारी इकट्ठा हो गई उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका भी तो ट्रीटमेंट हमें करना है। तो उसमें जो स्लज हमारा स्लज थिकनर में जो हमारा लेवल आ जाएगा तो उसके बाद देखिए वो हमारा डिगेंडर लगा, उसे डिगेंडर बोलते हैं, उसे एक तरीके से कहेंगे डिवाटरिंग यानी स्लज को और पानी को अलग करना। डिवाटरिंग उसको कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूग। उसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, जैसे कि हम लोग दही से मक्खन अलग करते हैं, सेम प्रोसेस उसी में उसमें भी होता है। उसमें किनारे किनारे स्क्रूपर लगे हैं, बीच में सेंट्रीफ्यूग, उसमें मतलब हाई स्पीड से रोटेट करेगा वो, उसमें क्या होगा उसके सरफेस पे स्लज चिपक जाएंगे और उसके बीच में क्लीन वाटर हो जाएगा। तो वहाँ से हम स्लज को अलग कर लेंगे, वो 100% तो नहीं अलग कर पाते हैं, लगभग 80-90% तक के स्लज को वहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं। उसका जो आउटलेट निकलेगा उसको हम फिर से इक्वलाइजेशन टैंक में भेज देंगे और फिर से हम उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो हमारे ETP का प्रोसेस था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला वीडियो आप लीजिए सैंड फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, RO1, RO23 सब फेस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।